चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो दूसरे लोग हैं ये आए करके कैंडिडेट बदले हैं, आवेंगे जी कमाल है, चुनाव होते ही काम करा दूंगा आपका, चुनाव के दोबारा दोबारा लड़ना नहीं लोगों ने, मैं वो बात करूंगा कि दोबारा भी दिखा देता हूँ, ये मंजूर देखना चाहिए तो टेंडर मंजूर हो रखे दीप बिश्नोई के सामने लगी सवालों की छड़ी आदमपुर में आती है। आवेंगे जी कमाल है, चुनाव होते ही काम करा दूंगा आपका, चुनाव के दोबारा दोबारा लड़ना नहीं लोगों ने, मैं वो बात करूंगा कि हमारे सारी चीजें मजदूर करा रखी है, पौने तीन सौ करोड़ रुपए काम मैंने मंजूर कराए थे इलेक्शन से पहले, जो हो चुके भाई साहब विपक्ष में थे, चेक कर लेंगे भैया आगे करवाता हूँ। आज खुद कुलदीप बिश्नोई चुनाव प्रचार के दौरान आदमपुर मंडी की ऑटो मार्केट में आए तो लोगों ने उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। लोग कहने लगे कि आपने क्या काम करवाया, तो कुलदीप बिश्नोई कहने लगे मेरे ऑफिस में जाकर कंप्यूटर को देखो, वहां पर आप सारे काम की डिटेल देख सकते हो। तो इस प्रकार से लोग उनसे जा भी जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई सवाल जवाब कर रहे हैं, उनके सामने बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है इस चुनाव को देखते हुए। 530 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ज्वाइनिंग के बाद मैंने सीएम से मंजूर करा दिए, इसमें सड़कें हैं, खाल है, गलियां हैं, और ये जो मंडी के 100 करोड़ रुपए ये अलग है, वो 530 करोड़ रुपए अलग है, 630 करोड़ पौने 600 करोड़ कोई हल्का मेरा चैलेंज है हरियाणा के 90 हल्कों में कोई मंत्री के हल्के में भी इतनी ग्रांट नहीं की मैंने मंजूर कराई, तो मैं तो लाग रहा हूँ कि भजनलाल जी बड़ा दौर वापस आए, कोई खतर ये लोग आवे पहचान ने बहन जी ना जी कोई कह दिल्ली यार देखो जी हमारा स्कूल 80% स्कूल ना प्रिंसिपल को नहीं, 32% स्कूल बंद हो गए दिल्ली के अंदर, अभी वीडियो देख रहे हैं आप, अब तो बारिश हो गई तो पानी भरा ही भरा है, बड़ा तो भर गया दिल्ली में पानी, दिल्ली तो मेट्रो सिटी है, प्रधानमंत्री वहाँ, मुख्यमंत्री वहाँ पानी भर जाता है जी, किस हल्के से देखो जी कुलदीप के हल्के पानी भर रहे हैं, आप घर मरो पे ले जा रहे हैं, ये बात है, ये सब बातें आपको समझने वाली।